हेलो एवरीवन, अगर आपको सिटी बिल्डिंग फ्यूचरिस्टिक और सर्वाइवल गेम पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर सर्वाइविंग मार्स गेम के बारे में बात करने वाले हैं। यह गेम इसी साल रिलीज हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते जी। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सर्वाइविंग मार्स गेम के बारे में बात करें तो इस गेम को बनाया है हेमीमेंट्स गेम्स ने, और इसे पब्लिक किया है पेरोडी इंटरेक्टिव गेम्स ने। और यह गेम 15 मार्च 2018 मतलब इसी साल यह गेम 2018 को पूरी दुनिया के लिए पीसी, PS3, PS4, Xbox 360 और साथ ही साथ मैक ओएस एक्स और लिनक्स ओएस के लिए भी यह गेम रिलीज हो गया था। आप इसे किसी भी डिवाइस के लिए लगभग 590 रुपये देकर खरीद सकते हैं। आप इसे स्टीम के जरिए खरीद सकते हैं, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर इस गेम की बात करें तो यह एक सिटी बिल्डिंग फ्यूचरिस्टिक सर्वाइवल गेम है। इस गेम के अंदर हमें दूसरे प्लेनेट के ऊपर मार्स के ऊपर जाकर एक पूरी कॉलोनी बसानी होती है, ताकि वहां पर ह्यूमंस आसानी से रह सके। इस गेम के अंदर हमें वहां पर हर चीज की सुविधा देनी होती है, जैसे पेड़ पौधे लगाने होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग प्लांट लगाना होता है, और रिसर्च लैब लगानी होती है। हमें वहां पर सब कुछ लगाना होता है, ताकि एक ह्यूमन वहां पर आसानी से रह सके और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन को धरती से ले जाकर मंगल ग्रह पर आसानी से रखा जा सके। तो यही इस गेम की पूरी स्टोरी है। यह एक साइंस फिक्शन सिटी बिल्डिंग गेम है। तो आपको यह गेम पसंद आता है, अपने किसी भी डिवाइस के लिए इस गेम को भी सकते हैं। और अगर इस गेम विंडो पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, सिर्फ विंडो पीसी में खेलने के लिए आपके पास कम से कम इंटेल कोर i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर होना जरूरी है, 4GB रैम होनी चाहिए और एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, जो आपके पीसी के अंदर साथ में आता है। मतलब ऐसे एक आसानी से एक नॉर्मल पीसी के अंदर चला सकते हैं, जो बहुत स्मूथ चलेगा। उसके अलावा 6GB की हार्ड डिस्क की जरूरत होने वाली है। उससे इसकी एक्चुअल डाउन साइज की बात करें तो लगभग 4GB के करीब होने वाली है। और इसे हेवी रिड्यूसिंग मतलब अब बहुत बढ़िया ग्राफिक के साथ खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इंटेल कोर i5 का 5th जनरेशन प्रोसेसर होना जरूरी है, जो इंटेल कोर i5 आगे 5-4 कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर वो सीरीज का होना जरूरी है। और 8GB रैम होना चाहिए और 750 Ti का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो मैं क्या चाहता हूँ, यह गेम खेलना चाहिए, बहुत ही कमाल का गेम है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट।